वहीं इससे पहले बुधवार को किसानों ने दिल्ली कूच किया तो पुलिस से उनकी झड़प हो गई। इस दौरान 23 आंदोलनकारी घायल हुए हैं। वहीं बठिंडा के एक नौजवान की मौत हो गई। किसानों का दावा है कि शुभकरण की मौत सिर पर रबर बुलेट लगने से हुई है। टकराव में 52 किसान और 12 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। शंभू बॉर्डर पर भी 6 किसान घायल हुए, जिसके बाद केंद्र के प्रस्ताव पर किसान नेताओं ने 2 दिन के लिए दिल्ली कूच टाल दिया था। और किसान नेता सरवरन सिंह पंधे ने शुक्रवार शाम को आगे की रणनीति का ऐलान करने की बात कही थी। पुनः 5वें दौर की बैठक, और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं।